असलम नाइन्थ क्लास दिस इज़ योर लेक्चर नंबर फ़ोर सब्जेक्ट इस्लामिया टुडे वी विल रिवाइज ओवर हदीस नंबर फ़ाइव एंड आयत नंबर सिक्स टू टेन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ़ आयत रुकू नंबर वन आल्सो ओके लेट्स गेट स्टार्ट आज़ुब्लिम शिम बरहरिम मैं अपना नाम मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम करने वाला है

तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक के उसकी ख्वाहिश उसके ताबे ना हो जाए जो मैं लाया हूँ कि जो दीन आप लेकर आए हैं अपनी ख्वाहिशात को उनके मुताबिक कर लें और अपने आप को उसके ताब, अपने दीन को ताबे करें तो फिर ही वो ममिन हो सकता है तशरी इस हदीस का मौजू अत रसूल सल वसलम है देखिए हसूल वसल्लम के लाव कम पर अमल करेंगे तो ही आपकी अताात होगी

तर्जुमा जिसने रसूल अल्लाह की अतााद की हकीकत में उसी ने अल्लाह ताला की अताात की हज़ूर हज़ुर सल्हल्ला वसम दीन इस्लाम लेकर आए अल्लाह के अहकाम लेकर आए हमें ज़िंदगी गुजारने का दीन इस्लाम के मुताबिक अल्लाह के अहकाम के मुताबिक तरीक़ा बताया तो जब हम हजूर सल्ला वसलम को फॉलो करेंगे तो देट्स मीन कि हम अपने अल्लाह ताली के अहकाम को फॉलो कर रहे हैं बुराई से इश्तनाब करना मतलब रुकना रोक के रखना खुद को नेकी और बदी दोनों का शौर इंसानी फितरत में शामिल है कि हमारी फितरत में नेकी भी करते हैं और बुराई भी कर लेते हैं लिहाजा बुराई करने के अख्तियार के बावजूद बुराइयों से बचना और नेकी बजा लाने में इंसानी फलाह बहबूद है कि बुराई करने की ताकत होने के बावजूद खुद को बुराइयों से बचाना कि नहीं ये गलत काम है मैं नहीं करूँगा और नेकी करते रहना जो है हमारी ही इसमें बेहतरी है और ये इसी सूरत में मुमकिन है जब अल्लाह आल, रसुल कमलतात होगी और ये हम कब पॉसिबल है कि जब हम हजूर वसल्लम को फॉलो करेंगे नंबर थ्री हुआशाह को एक रसूल के ताबे करना बुरी हुआ शाह पैरवी से कुरान जीद ने मना किया है कि ऐसी हुआ बुरी हुआशात अपने दिल में ना रखें ना पालें फला होवा सूरत नंबर वन थर्टी फाइव तर्जुमान तो अपनी बुरी की पैरवी ना कर मतलब हम अपनी बुरी हमारे की पैरवी ना करें उनको छोड़ें अपने नफ्स को कंट्रोल में करें इसीलिए लिए अपने जज्बात एहसास और आलात को नबी करी वसम के अहकाम के ताबे करना ज़रूरी है कि हमारे जज्बा हमारे एहसास हमारे जो सोच है इसको वसलम के अहकाम के मुताबिक रखें नंबर फोर तकमील ईमान दर्ज बाला हदीस में तकमील ईमान के लिए ज़रूरी करार दिया गया है कि जब तक कोई शख्स अपनी हुआशात को नबी कम सलम के फरमदात के ताबे नहीं करता उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता कि हमारा ईमान तभी मुकम्मल होगा जब हम अपनी हुआशात को हजूर वसल्लम की लाइव तालीमत के मुताबिक कर लें फिर ही हम मोमिन हो सकते हैं इस हदीस का अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ आका लातु सलाम के इस फरमान के पेश नज़र ये बात वाज होती है कि ईमान की तकमील और उहर भी कामयाबी कदारो मदार अपने आप को अल्लाह के रसूल करम की ज़ात और आप सहव दीन के ताबे कर देने पर मुनसर है इलाम इकबाल ने कहा था ब मुस्तफ़ा बरसा हवेश हवेशमा औस्त अगर बा बासीदी तमाम बुल ही अस्त ठीक है कि हाँ हमारी ज़िंदगी में इस हदीस का ताल्लुक़ ही है कि हम हजूर करम सलम की तलीमत के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को गुजारे अपनी ख्वाहत को अपने ख़्यालत को उसके मुताबिक कर लें तो ही हमारी दुनिया और आहरत में कामयाबी मुमकिन है नेक्स्ट आयात और उनका तर्जुमा आयत नंबर छः पढ़ेंगे हम आयात खोल लीजिए पेज नंबर है आपका जिया इस्लामियात बुक का नंबर सिक्स पेज नंबर टेन ओके युजादी लूना का वो झगड़ते हैं आपसे फिलहक की सच्ची बात में बाद अमां बाद इसके जो तबैया ना वाज हो चुकी थी कन्ना माँ जैसा के युसाकुना उन्हें धकेला जा रहा है इला तरफ अल मौत के वहम और वो यंजारून देख रहे हैं बुक खोल कर आगे रखिए ताकि आपको बा मुहावरा तर्जुमा समझ आ सके वो लोग जिस हक बात के वज़ हो जाने के बाद भी यहाँ से वो लोग हक बाद में उसके जाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और उसे देख रहे हैं कि हक बाद का पता चल गया उसके बावजूद झगड़ रहे हैं तो मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं वाइज और जब या ईद कुम्बादा करता तुमसे अल्लाह अल्लाह ईदा एक का अल्ताइफा दो ग्रहों में से अन्ना हाला कुम के वो तुम्हारे लिए है वत वत दूना और तुम चाहते थे अन्ना के जातल शौकती कील कांटे वाले वाला हो कुम तुम्हारा वीदू और चाहता है अल्लाह अल्लाक्का के कायम कर दे हक को बिकालिमाती ही साथ अपने फरमान के वकता और काट डाले दाबिर जड़ काफरीन काफिरों की और जब अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो ग्रोहों में से एक पर तुम्हारा गलबा हो जाएगा और तुम चाहते थे कि उनमें से जो काफिला गैर मुसल्ला है वो तुम्हारे हाथ आ जाए जबकि अल्लाह चाहता था कि वो अपने फरमान से हक को हमेशा के लिए कायम कर दे सच को और काफरों की जड़ ही काट डाले नेक्स्ट लियू हीता के साबित कर दे अल हक का सच को वयुतीला और झुटला दे बाला झूठ को बला हुआ गर्चे कारी नापसंद करने वाले मुजरिम जुर्म करने वाले ताकि अल्लाह सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर दे अगर चाहे मुजरिम इस बात से ना खुश हो ठीक है इज जब यस सूना तुम फरमा फरियाद कर रहे थे रब अपने रब से फस्त जाबा तो उसने दुआ कबूल कर ली लकुम तुम्हारी इन्नी के मैं मोहम्मद मदद करने वाला हूँ तुम्हारी बीअलफिन सात हजार मिनल मलाती फरिश्तों से मुर्दीफी के बाद एक आने वाले जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं एक हज़ार फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करूंगा, जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे व माँ और नहीं ज अलाहू बनाया उसे अल्लाहू अल्लाह ने अला सिवाय बुशरा बशारत के वाली तना ताके मुतमिन हो जाए बिही इसे कुलूबुकुम दिल तुम्हारे व और नहीं है अन्नासरु मदद इल्ला सिवाय मिन से इंदल्ला ही अल्लाह के हाँ इंदल्ला बेशक अल्लाह अज़ीज़ बहुत गालिब हकीम उन हिकमत वाला है ओके इसका तर्जुमा और अल्लाह ने उस मदद को तुम्हारे लिए महज बशारत बना दिया था ता तुम्हारे दिल उसमें इससे इत, इत, इतमान हासिल करें और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है बेशक खुदा गालिब हकमत वाला है अलकालकालिमातु व तर कीबो अलफ़ालु मालिक गनीबत असली हूँ जाता बीना कुम अपने आपस के ताल्लुक़ दुरुस्त करो वाजिला डरते हैं डर जाते हैं यु सा कून वो हाँकते हाँके जाते हैं तस्तगी सुना तुम फरियाद करते हो गई रातिल जा, शवकती बगैर कांटे के बग़ैर असले और कुत के कारी होन आ नागवारी महसूस करने वाले इहदा एक मोनस है ये दाबीरा जड़ मुर्दिफीन लगातार आने वाले ये अल्फाज के मायने हैं ये या आपने याद करने हैं नेक्स्ट आपकी जय इस्लामियात बुक के ऊपर पेज नंबर ग्यारह से ग्यारह के बाद बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह पे इस रकू के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं और साथ में एम भी दिए गए हैं ये आपने सारा कंप्लीट लर्न करना है और आपने इसका हदीस नंबर टू का होमवर्क भी करना है ओके स्टूडेंट्स टेक केयर बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़